हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियाज बैकपैकर। और मैं पहुंच गया हूं सोलंग वैली मनाली में। सिर्फ बर्फ ही बर्फ है यहां, और यहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं अकेला आया हूं ऊपर तक। और एक बार आप यहां ज़रूर आए मनाली, और मैं आपको आज दिखाने वाला हूं किस तरीके से मनाली ट्रैवल कर सकते हैं आप चीप रेट में। देखिए चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ है, सिर्फ बर्फ़, सिर्फ बर्फ़, और एकदम फ्रेश स्नो है ये। तो एक बार यहाँ जरूर है और मेरा पूरा व्लॉग देखे आगे। सो लेट्स गो। मनाली पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फिर दिल्ली स्टेशन से आपको आना पड़ेगा कश्मीरी गेट या मजनू का टीला, यहीं से आपको ये वॉल्वो बसेस मिल जाएंगे। वॉल्वो से दिल्ली से होते हुए मनाली आप 14 घंटा में पहुंच जाओगे। सो गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ साइट सीन के लिए। सो गाड़ी उधर खड़ी है, तो गाड़ी मैंने बुक किया जो कि मुझे 3 दिन के लिए मिला, और 3000 रुपीज़ चार्ज किया उसने मुझसे। और मैं आज घूमने वाला हूँ सोलंग वैली, वहाँ पे केबल कार में भी जाऊँगा ऊपर, और हडिम्बा टेम्पल, ये सब घूमने वाला हूँ आज। गुड मॉर्निंग।
ये मेरा ड्राइवर साहब है, ये बंदा हम लोग को लेके आया था घुमाने के लिए। इसका नंबर भी दिया हुआ नीचे मैंने, इसका नंबर देख लेना, मोहित भाई हमारे। और आप पीछे देख सकते हैं मेरा, ये सोलांग वैली है और यहीं से मेरा जर्नी अभी शुरू होने वाला है, तो लेट्स गो। सोलांग वैली आए तो अलग से रेंट पे ड्रेस मिलता है वो जरूर ले, और शूज मिलता है वो जरूर ले, और एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत है, एक्टिविटीज जरूर करें। ये एक्टिविटीज आपके जो ट्रिप है उसको यादगार बनाएगा। मैंने भी कई सारी एक्टिविटीज की यहाँ पर, तो देख सकते हैं मेरा केबल कार लगा है ऊपर। तो ये केबल कार जो है मैं इसको भी ट्रैवल करने वाला हूँ, इसको भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो यहाँ पे भी जाऊँगा मैं। 600 rupees पर हेड है और बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। कल भी बैठा था मैं इसी केबल कार में और आज भी बैठने वाला हूँ। अभी तो मैं टॉप पे आ गया हूँ, फिर नीचे उतर रहा हूँ, अब मैं जाऊँगा केबल कार के यहाँ पे। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई केबल कार, अभी उतर रहा हूँ नीचे। केबल कार का टिकट्स ले लिया हूँ, तो ये टिकट्स है और ये मेरे पीछे जो ऑफिस दिख रहा है यही केबल कार का ऑफिस है। ऊपर से पूरा रोप वायर से वो केबल कार गया है, तो मैं यहाँ जाने वाला हूँ, तो अभी अंदर से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो गाइस केबल कार में बैठ चुका हूँ मैं, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये बाहर का नज़ारा है। पब्लिक पूरी बैठी है, जन्नत है, पूरा फ्री फ्रेश स्नोफॉल है यहाँ पर, और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सो फ्रेंड्स मैं टॉप पे आ चुका हूँ। सो आई हैव रीच्ड ऑन द टॉप विद दिस केबल कार, और गाइस एक बार जरूर इसमें आए, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है ये। ज्यादा टिकट्स नहीं है, 650 rupees का टिकट है, लेकिन जो व्यू दिखता है आने आते वक्त तो बहुत खूबसूरत है। तो अगर मनाली आ रहे तो ये केबल कार में ज़रूर बैठना। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ टॉप में, जो टॉप में दिख रहा है आपको, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। सो लेट्स मूव ऑन। इधर देखो, आपके फोटो भी निकालेगा। ओके सर, तो फोटो खींचेगा फिर जाएगा। सो गाइस ये क्लब हाउस है जो कि मनाली में ही है। यहाँ पर एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और मोस्टली यहाँ पर बच्चों का इंडोर गेम्स बहुत है, बहुत ज़्यादा गेम्स यहाँ पर बच्चों का मिलता है। और जैसा कि ये रिवर क्लाइंबिंग जो हो रहा है, ये वाला गेम्स के लिए बहुत फेमस है यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो है बोटिंग का भी फैसिलिटीज़ है। ये देखिए लोग यहाँ बोटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक बार ज़रूर आए अगर मनाली आते हैं तो। और ये यहाँ का फेमस मंदिर है हडिम्बा टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है मनाली का। केबल कार से ऊपर आने के बाद का ये नज़ारा है, और अभी ये सोलांग वैली का एकदम टॉप पे हूँ, और यहाँ -degree Celsius है। और अगर आप देखेंगे मेरा पीछे का नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ बहुत से फैमिली आ चुके हैं, और यहाँ सिर्फ बर्फ है, और ये सोलांग वैली का एकदम टॉप पर है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको केबल कार से आना पड़ेगा, और पैराग्लाइडिंग जो होता है पैराग्लाइडिंग वो यहाँ से ही होता है। ये पीछे आप जाएंगे वहाँ से ही आपको पैराग्लाइडिंग होता है। पैराग्लाइडिंग के लिए भी आपको यहाँ से केबल कार से ही ऊपर आना है। और मनाली के बारे में आपको क्या बताऊँ, यहाँ पर आप आके ही देख लो मनाली की खूबसूरत। मनाली की खूबसूरत मैं ज़बान से बयान नहीं कर सकता। और मेरा आज का व्लॉग ये यहीं ख़त्म होता है, और मैं फिर मिलूंगा आप लोग से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मैं जल्दी लॉन्च करूंगा। मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो अभी मैं निकल रहा हूँ नीचे,
सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। चलो भाई निकलता हूँ मैं। तो मनाली कैसे आना है? मनाली आने के लिए आपको दिल्ली आना है, दिल्ली से आपको वॉल्वो बस लेना है। वॉल्वो बस आपको मिल जाएगा एक तरफ का 1000 रुपया से 1200 रुपया तक। और उसके बाद मनाली में आके आपका जो है होटल का जो खर्चा है वो 3 दिन का आपका होगा लगभग 3000 रुपया। और आपका जो है खाने का खर्चा होगा एक 3 दिन का आपका कम से कम 3000 रुपया। और उसके बाद जो है आपको गाड़ी बुक करना पड़ेगा यहाँ पे घूमने के लिए, जो कि आपको 3000 से 4000 तक मिल जाएगा। गाड़ी वाला का मैंने नीचे नंबर दिया हूँ, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी वाला है, इसको बुक करना आप। और उसके बाद जो है मैंने जो होटल लिया था वो होटल बहुत ज़बरदस्त है, उसका भी मैंने नीचे नाम दिया हूँ, वो होटल ही बुक करना। बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा खाना है उसका। और उसके बाद जो है मनाली में एक्टिविटीज़ बहुत है, एक्टिविटीज़ ज़रूर पर ज़रूर करना। मैंने तो एक्टिविटीज़ में बहुत पैसे उड़ाए। तो मेरा मनाली का व्लॉग अभी यहीं ख़त्म होता है।